करने के लिए कि हमारा कभी एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से हमारी मौत ना हो, अपने आप को सेव करने के लिए बताया गया। कई लोगों का सुनते हैं बेचारे नई गाड़ी लेते हैं, पूरा परिवार बैठता है, कहीं यात्रा पर निकल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी मैंने सुना था यही शायद मेरठ के आसपास हुआ, पूरा का पूरा परिवार ही चला गया। कभी एक्सीडेंट ना हो अपने वाहन से, और आपकी अपमृत्यु ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, और समस्त व्याधियों को मिटाने के लिए ये प्रयोग बताया। दिन शनिवार का हो, नक्षत्र कृतिका हो, और नमक लोहा तेल उड़द और सौंठ पीपल काली मिर्च गोल मिर्च, काली मिर्च अलग होती है, गोल मिर्च अलग होती है, गोल मिर्च और फल रोली और जल, ये ब्राह्मण को दान करने से, धनवंतरी और अश्विनी कुमारों की पूजा करने से अकाल मृत्यु का हरण होता है और समस्त व्याधियों का निवारण हो जाता है। ये कुछ प्रयोग आपके जीवन में समस्त प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले हैं। इस प्रकार से जीव अगर करता है तो उसकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और बताया सफलता की प्राप्ति के लिए, आज आपको मैं आपकी काम की चीज बता रहा हूं। कथा तो आप YouTube पे भी सुन सकते हो, और कथा आए भी ज्यादा नहीं, थोड़ी है, वो भी सुना देंगे। सफलता की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर 3 बिल्व पत्र, दिन के ठीक 12 बजे चतुर्दशी की तिथि के दिन अगर चढ़ाते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाती है। कई बार विद्यार्थी पेपर देता है और उसमें फेल हो जाता है, बार 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 फेल होता है, सफलता नहीं मिलती, बहुत परेशान होता है। या आप पे कोई कार्य के लिए सफलता नहीं मिल रही है, जिस कार्य के लिए आप जाते हैं वो कार्य आपका सफल नहीं होता, तो सफलता के लिए बताया गया है शिवलिंग पर 3 बिल पत्र, दिन के ठीक 12 बजे चतुर्दशी तिथि के दिन, अमावस्या से एक दिन पहले अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलती शुरू हो जाएगी। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, आपके मन में जो कामना है वो पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, बहुत लालायित रहते हैं, बहुत प्रयास कर लिया, यत्न कर लिया और सफलता नहीं मिल रही, तो मनोकामना की पूर्ति के लिए बताया गया कि एक बिल्व पत्र पर सफेद चंदन का टीका लगाएं, तीनों पत्तों पर सफेद चंदन का टीका लगाएं और ओम नमः शिवाय बोल करके ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ठीक 12 बजे चढ़ाएं तो आपकी मनचाही कामना पूरी हो जाएगी। प्रेम से कहो हर हर। संतान प्राप्ति के लिए एक और प्रयोग बताया गया, सोमवार के दिन एक बीज लेकर के आए शिवलिंगी का, पंसारी से मिल जाता है या तोता पे मिल जाएगा, शिवलिंगी का बीज सोमवार के दिन लेकर के आए और एक बीज लेकर के आए लक्ष्मण बूटी का, ये दोनों बीजों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और एक दीपक 5 बत्ती वाला, आड़ी बत्ती, एक दीपक 5 बत्ती वाला भगवान शिव के सामने जलाएं और संतान के लिए आप प्रार्थना करें और उसमें से फिर दोनों बीजों को उठा करके शिवलिंग से घर पर लेकर के आ जाएं, उन दोनों बीजों को किसी मिष्ठान में, पेड़े में या बर्फी में लगा करके अंदर डाल करके उस गृहिणी को खिलाएं तो वो गर्भवती होती है और संतान की कामना भगवान शिव पूरी करते हैं। प्रेम से कहो हर हर। अब बताया है धन की विशेष प्राप्ति के लिए कि आपके यहां खूब धन बढ़ जाए, हमारी यही कामना है महादेव से, आपके यहां धन बढ़ेगा तो आप धर्म के काम करेंगे,
लेकिन ये ध्यान रखे, जब धन झट पड़ जाता है तो लोगों के दिमाग अलग हो जाते हैं। जब पैसा ज्यादा होता है तो दिमाग पागल होता है, अधर्म की ओर जाता है वो पैसा। अगर वही पैसा अगर धर्म में लगा रहेगा तो परिवार भी सुख से आराम से रहने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो आप कमाते हैं उसमें से 10% भगवान को निकाल दिया करो, ताकि आपका धन शुद्ध हो जाए, आपके परिवार का और मन मस्तिष्क भी शुद्ध रहेगा, ठीक रहेगा, कोई रोग शोक नहीं सताएगा। धन तो बहुत है लेकिन धन को धर्म में नहीं लगाते हैं, इसलिए रोग शोक बहुत आ जाते हैं। या तो वो धन रोग में लग जाएगा, बीमारियों पर खर्च हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा, या फिर कोई चोर चुरा के ले जाएगा, या कोई लेके भाग जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए ईमानदारी से 10% आप जो भी कमाते हैं, अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 10% 10 रुपए आप गल्ले में डाल दीजिए, भगवान का है। जैसे दान करो, पुण्य करो, भंडारे लगाओ, किसी गरीब का काम चलाओ, गरीब की कन्या की शादी में दो, गौशाला में दो, कहीं और कोई धर्म का कार्य हो रहा हो वहां दे दो। इससे आपका धन भी शुद्ध रहेगा और परिवार का मन भी शुद्ध रहेगा, धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा।